हज़रत आज का सवाल भी हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है जैसे कि हमारा तो ये बात का यकीन है कि अलिया कामिलीन की जो करामात होती हैं उन पर हम जान से यकीन रखते हैं और बयान भी करते हैं लेकिन कुछ एतराज़ करने वालों ने यह एतराज़ किया कि अलिया की जो करामात हैं इनकी कोई ऐसी सनत तो होती नहीं है जैसी अहादीस की और दूसरी रिवायात की सनत होती है बस सीना बसीना, बसीना बात चली किसी ने कह दी फ़लाँ बुजुर्ग ने यह अमल शादिर हुआ और आपने आगे बढ़ा दी बस कह दिया मान लिया बस तो ऐसे में चूंकि अब इनकी ऑथेंटिसिटी कैसे साबित हो ये कित कदर ऑथेंटिक हैं ये वाकयात तो हम एक ऐसी चीज़ को बयान कर रहे हैं कि जिसकी कोई सनद भी नहीं है अब उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे साबित करें बस एक लोगों ने कहा कि ये हुआ बस हमने मान लिया सर डाल के और जबकि दूसरी तरफ जो है वो अहदीस का ज़ख़ीरा है कि जिसमें सहाबा के किस्से हैं नबी अलैहि वसल्लम की उसमें मुबारक के किस्से हैं वो भी खूब सब बकाोज़ हैं और वो सनद याफ़्त भी हैं उनके ऑथेंटिस में कोई कोई किसी किस्म का को कोई शक भी नहीं कर सकता तो उनको हम प्रेफ़र नहीं करते और, और की करामा को हम बयान करते हैं तो इसके बारे में ये हम किस कदर हक बजाने में तो ये सवाल आपसे वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया अच्छा अच्छा नुकसान उठाया लेकिन असल बात यह है कि अगर इस सनद की बहस में आप पढ़ें कि ये सनद नहीं है तो लिहाजा हमारे लिए वैलिड नहीं है और ये इसकी सनत तो लिहाजा वैलिड है तो फिर तो कुरान करीम सबसे पहले आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा अच्छा कुरान की एक इकात की आपको सनद पेश करनी पड़ेगी आप पहले कुरान की सनद पेश करें जिसको एतराज़ है तो सबसे पहले कुरान करीम की एक फातिया की सर पेश कर देख बकर आयतें हैं हर आयत की पेश करे कोई माइका लाल वेकिन कि वेकिन कि वेकिन वेकिन कुरान वेकिन को सीना ब सीना ही माना आपने इसी एतम में माना कि मेरे उस्ताद जी ने कुरान पढ़ाया उसताद जी ने उद जी ने पढ़ाया वो कौन है क्या है उसकी क्या तस्किया क्या उसकी जरा तदील में हैसियत है कभी किसी ने देखी तो कुरान करीम जैसा इतना बड़ा ज़ख़ीरा आपने बग़ैर सनत के माना हुआ है और दुनिया उसको तलावत कर रही है तो आप ओलिया अल्लाह की करामतों में आपकी कमर टूट रही है है तो सबसे पहले तो ये यहराज हो जाएगा कि कुरान की आयतों की सनद कहाँ और दूसरी बात यह है कि असल में ये सारा क़स्तम पर मबनी है एतमाद बस ये लफ्ज़ एतमाद जो है ट्रस्ट ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है तभी तो एतमाद अल्लाह ये ईमान की इंतहाई मज़बूत मंजिल एतमाद अल्लाह अल्लाह पर जिस बंदे को अतमाद हो जाता है फिर अल्लाह की तरफ से अच्छा उतरे या बुरा उतरे उसको परेशानी नहीं होती और अलिया अल्लाह यही चीज़ हासिल कर जाते अल्लाह तो एतमाद का जो लफ्ज़ है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है तो ये अतमाद की बुनियाद पर सब सिलसिला चलता है ईवन है कि आप जिन किताबों की सनद की बात कर रहे हैं कि इमाम बुखारी की सनद है मुस्लिम की सनद है तो आपने वो सारी सनद और सारी हदीस तो एतमाद पे मानी है आपने उसमें एतमाद नबी पाक पे नहीं किया बुखारी की हदीस आप मान रहे हैं आप नबी पाक पे नहीं कर रहे हैं इमाम बुखारी पे कर रहे हैं अच्छा इमाम बुखारी कह रहे हैं कि नबी की हदीस आपने कहा जी बहुत शुक्रिया थैंक यू है? सही बात इमाम बुखारी ने कहा मेरा उस्ताद फला मैंने उससे सुनी उसका उसलाम उसने उससे सुनी तो इमाम बुखारी के कहने पे आपने दस पंद्रह वो लोगों की पूरी सनत मान ली कि हाँ सारे अच्छे सच्चे लोग हैं जी और फिर उसने कहा जी ये ये हदीस नबी ने फरमाई इन न मालूम इन नहीं आपने कहा कि जजा कर ला तो आपने नबी से बराह रास्त वो हदीस नबी की नहीं सुनी अबू हुरारा की आवाज में अबू हुरारा से आपने हदीस नहीं सुनी आपने किसके कहने पर मानी एक उम्मीती के कहने पर इमाम बुखारी नबी तो नहीं है वो सबी तो नहीं है वो तो ताबी भी नहीं है ठीक है ना उस इमाम बुखारी के कहने पे आपने नबी की हदीस का हदीस होना माना है तो ये एतमाद भी किस्सा हुआ ना आपको इमाम बुखारी पे एतमाद है कि यार इमाम बुखारी सच्चा आदमी है खरा आदमी है झूठ नहीं बोलता इसे जो कहा है कि यह हदीस नबी की है ये सच कह रहा है इमाम मुस्लिम ने जो हदीस लाया इमाम मुस्लिम यार बड़ा पाए का आदमी है झूठा नहीं नेक मुतकी है ये सच कह रहा है कि यह नबी की हदीस है तो आपने तो हदीसों का जखीरा जो है वो जो नबी का हदीसों का मुसर जखीरा वो आपने एक आदमी के कहने पर माना है तो आपको आपको आप किस बात में नाज कर रहे हैं तो इसी तरीके से किसी वली की करामत एक आदमी बयान कर रहा है ना तो यहां आदमी की बात मानने में आपकी क्यों कमर टूटती है तो मालूम ये हुआ कि एतमाद के अलावा कुछ कोई रिश्ता इसमें नहीं है एतमाद उस कहने वाले पे आपको एतमाद है तो आप मान लें नहीं एतमाद तो आप अपना काम करें क्योंकि ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती तो खुद कुरान करीम नबी के बारे में अल्लाह तबारक बता रिशात फरमाया कि आप जो खुदाई फौजदार नहीं है कि ज़बरदस्ती मनवाएं आपका काम बताना है मनवाना नहीं है तो औली अल्लाह की जो कराम हम पेश करते हैं बताते हैं हमारा काम बताना है मनवाना नहीं है मानने वाला खुश नहीं माने नहीं मानने वाला ना माने ठीक है ना तो इसलिए यह बात कहना कि जी अल्लाह की कोई सनद नहीं है सीना पसीना है हमारे दीन की हकीकत ही सीना बसीना है सीना, या सन, संदे वंदे तो आज लिखी हैं नबी पाक सल्लम से सारा दीन का जखीरा सीना पसीना ही तो आया साहबा कौन सा जो किताबें प्रिंट करते थे या नबी पाकलीसम ने कौन सी किताबें प्रिंट करके पढ़ाई सीना पसीना ही है तो आज सीना पसीना आना तो असले दीन है गोया के ये असले दीन का रास्ता है सीना पसीना तो इसलिए आज ये ये क्या, संदों की बहस तो आपको उसूल हदीस जब बना है तो उसके बाद शुरू हुई है ठीक और फिर दूसरी बात यह है कि नबी करीम ने खुद साहब कराम में पहली उम्मतों के किस्से बयान किए पहली उम्मतों के नेक लोगों की क़रामतें बयान किए उनके वाकयात बयान किए इसका मतलब है कि करना जो है वो गैर नबी की करामतों को बयान करना ये तो खुद अंबिया का विषय हुआ है कितने किस्से अल्लाह कैसे कैसे के साथ कैसे वो कौन सा नेक आदमी जो जन्नत होगा चला जाए वो है खिदमत कर रहा है जन्नत में तेरे साथ होगा तो मालूम ये हुआ कि यह तो अंबिया का शेवा है किमते किस्से बयान करना क्योंकि क्या होता है ये मशे रहा बनते हैं ये अमली अमली तो नमूना बनते हैं से वर्कों में नहीं रहता मामला अमली नमूना बनते हैं कि अगले को ये जब इंक्रेजमेंट मिलती कि नहीं यार लोगों ने अमली तौर पर ये दिखाया है ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है अमला लोगों ने यह मंजिल तय की है यार मैं भी कर सकता हूं फिर लिहाजा वो इस रास्ते में आगे बढ़ते हैं एक बात और दूसरी बात यह कहना है कि हम उनको प्रेफर रखें रखे प्रेफर हम तो रखते हैं उनको प्रेफर बुखारी मुस्लिम के अंदर जो किस्से हैं जो नबी ने बताए हैं हदीसों में साहबा कराम की वो प्रेफर रखते हैं उसको सबसे पहले वह हैं उसके बाद अलिया अल्लाह का नंबर आता है बल्कि हमारा तो अकीदा ईमान है कि शाई कायनात के अलिया इकट्ठे हो जाएं, तो नबी करीम सलीसम के एक अदना साहबी के मरतबे को नहीं पहुँच सकते तो हम तो साहब कराम की हयात साहबा के, हया तो के तो नाम से किताबें छपी हुई हैं और हयात साहबा के नाम से बयानत हो रहे हैं नबी पाक वसल्लम की जो है हदीसों के वाकत और किस्से जमा किए जा रहे हैं बयान किए जा रहे हैं हम बिल्कुल करते हैं या तो खुदा न खास हम वो करते ना हो ये करते हो फिर आपका एतराज बनता है हम तो वो भी करते हैं और फिर साहबा कराएम के जो किस्से हैं वो भी तो वली की करामत है क्योंकि साहबा वली है ना साहबा साबी साहबी है सबी वली होता है नबी तो नहीं होता क्योंकि गैर नबी वो वली है तो साहबा के जो किस्से वली अल्लाह के किस्से हैं साहबा की अगर करामते हुए की करामते जाहिर हो रही है और उन अल्लाह करामतों का आप हदीस के रोशनी मान रहे हैं तो वो भी उन इंसानों के हाथों से अल्लाह तबारक वाली माँ फोकुर अकल ऐसी चीज़ें जाहिर कर रहे हैं तो फिर आगे भी तो वो उम्मती हैं उन उम्मतियों के हाथों परामते जाहिर हो रही है और फिर असल में ये शुबा इसलिए पैदा होता है कि वो ये कहते हैं कि यार इस अरवली के हाथ पे करामत हो गई नबी के हाथ में तो हुई नहीं ये तो नबी से भी बढ़ा रहे हैं हालांकि असल में बुनियादी उनको इसलाह इस बात की करनी चाहिए कि हमारा ये अकीदा है कि औलिया अल्लाह की जो करामते हैं यह असल में नबी करीम सबूबत का ही फैजान है क्योंकि आपके गुलाम हैं तो गुलामों के अंदर जो सारे कमाल हैं वो सारे के सारे आका की बरकत से है मेन ट्रांसफार्मर अनवारा का तो वह है आपका सीना मुनवर है जिससे सारे अनवर मिल रहे हैं और आगे वो चमक रहे हैं वोलिया अल्लाह उसी रास्ते पे चल के तो असल में यहाँ से ही मिस्टेक करते हैं असल में वली को नबी के मुकाबले में ला के खड़ा करते हैं यहां से मिस्टेक करते हैं हालांकि खुदा न खास वली नबी के मुकाबले में नहीं बल्कि नबी से फै... कसब फैज लेता है वो सुफहाना नबी से कसब फैज लेके वो उससे फिर से वली की शान से तो नबी की शान बढ़ती है कि नबी के गुलामों की इतनी शान है तो खुद नबी की शान का आलम क्या होगा सुफहाना ठीक है ना तो ये कहना कि जी वली के हाथ पे हो गई नबी के हाथ पे क्यों नहीं हुई तो फिर इस बात का जवाब दे दें कि नबी को अजान का पता नहीं चला एक सहाबी को पता चल गया अब्दुल्ला हाँ, परेशान है कि यार आजान के लिए को हो कैसे नवाज के लिए बुलाएं नाकूस इस्तेमाल करें घंटी इस्तेमाल करें क्या करें ये बातें हो रही हैं और नबी को पता नहीं चल रहा कि क्या करें एक सहबी नबी का गुलाम अब्दुल्लाबन जैद इबन अब्द रबी उनको ख्वाब आता है और ख्वाब में फरिश्ता उनको सारी अजान बता के जाता है तो आप पहले तो इस बात का जवाब दे दें कि उस सहाबी को अजान अल्लाह ने बताई नबी को नहीं बताई तो सहाबी नबी से बढ़ गया से तो वहां तो आप ये कहते कि नहीं नहीं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि पाकल्लम ही कि जो वो फैजान का परताव तो उसके ऊपर पड़ा है और वहां पर जो है वो ये फैजान जाहिर हुआ जैसे बटन यहां दबाते हैं लाइट वहां जलती है वो कहा जी यार लाइट कहां से जली बटन का फैजान है बटन दबा तो लाइट जली तो नबी की नबूत का फैजान है कि उस साबी के ऊपर कि कितने वाकत तो हुए नबी पालाम पर नहीं हुए इसका मतलब वो सारे नबी पा की बरकत से है यही से मिस्टेक करते हैं तो औलियाल्लाह के अंदर जो करामा जाहिर होती है या सर में नबी पाकलम का फैजान है आप ही के फैजान का परतौर पर तो पड़ता पर है तो वली के हाथ पे जो करामा जाहिर होती है और दूसरा उनको यह होता है शुबा कि यह करामत वली ने खुद ही कैसे जाहिर कर दिया यार वली तो यह नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता यह कैसे कर लिया हालांकि उनको पता होना चाहिए जमात का यह बरह का कहीदा है कि अल्लाह के इजन और मशीत के तहत होती है करामत अल्लाह का इजन होता है तो नबी के हाथ से मोजा जाहिर होता है अल्लाह का इजन होता है तो वली की यहा से करामत जहर होती है अल्लाह के इजन ना हो तो ना वली के हाथ से कराम जाहिर हो सकती है ना नबी की हाथ से जो मोजा जाहिर हो सकता है अल्लाह ना चाहे तो किनान के अंदर पड़े यूसुफ का पता ना चले हैं और वो वो यही कह दें पैगंबर के फसबर जबीर वल्ला वाला माता सिफून और अगर पता चलाने लगे तो मिसर से अभी कमीज चली यूसुफ की उसकी खुशबू याकूब को यहां आ रही तो ये तो आसमान वाले का फैसला है तो अल्लाह की इजन के तहत इसलिए ये बात कहना कि उसकी कोई सनद नहीं ये सब एतमाद पर मामला है और एतमाद अगर नहीं है तो आपको हजार सनदें भी पेश कर दें आज बुखारी की सनदें हमारे पास हैं मुस्लिम की सनदें हमारे पास हैं तो क्यों नहीं मुनकरीन हदीस हदीस को मानते आप उनको मनवा के दिखाए ना कि यार सनद है भाई क्यों नहीं मानते आप कहता नहीं ये मानते ही नहीं सन गलत है मां बुखारी झूठा है मुस्लिम झूठा है नहीं मानते अब मनवाएं आप सही बात तो, तो, तो जो तो मुनकर हदीस उसको नहीं मानते अब आप कहाँ जाएंगे तो कहने का मकसद ये हुआ एतम एतमाद के बगैर ये गाड़ी आगे नहीं चल सकती और एतमाद ही की बुनियाद पर दीन सारा का सारा मजबूत रहता है और एतमाद की बुनियाद पर ही ईमान आगे मंजिलें तय करता है सुबह ने बहुत ही ज्यादा वाजफ़ फरमा दिया कि करामत और ये मोचाई असल में अल्लाह पे अल्लाह ही का एसन है अल्लाह ये क्योंकि लोग अगर इसको समझ समझने तो इन दोनों को कंपेयर ही ना करें बिल्कुल और बेद भी उनकी जानब से है की वो नबीसम का मुकाबला औलिया से कर रहे हैं तो वो खुद बेदब है तो उल्टा हम पे वो जो एतराज कर रहे हैं तो असल में उनका एतराज ही गलत है जजाकला बहुत आपने